को उपस्थित सभी भाई और बहनों को मेरा नमस्कार। माताओं बहनों, भक्तगण बंधुओं, मैं सबसे पहले तो आदरणीय
कंडीशन से सेटल है, विकास की बात हो रही और कोविड काल की बात भी हो रही। मैं इस घर से कह रहा था भगवान जो करता है अच्छा करता है। कमलनाथ की सरकार थी ये तो किसी दूसरे काम में लगे हुए थे, कोविड की कोई चिंता नहीं, अब तो ईश्वर की कृपा हुई और आप जल्दी बात और बनती है और बनते ही आपने कोविड चिंता करी, इसमें आपने बीमारी की चिंता करी और आज मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां कोविड के नियंत्रण तो नहीं है, विकास के भी सारे काम हो रहे हैं और सिलवाने में तो चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे सिंचाई की बात हो, चाहे रोड पर बिजली की बात हो, सभी क्षेत्र में ये क्षेत्र में सिलवाने में अग्रणी है। मैं बहुत विस्तार से चर्चा न करते आपको एक बार धन्यवाद देते हुए आपसे आग्रह करूंगा कि हम सबको आज की बात मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जो रायसेन जिले से ही हैं, आदरणीय डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद आदरणीय रमाकांत भार्गव जी, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता, आपके लोकप्रिय विधायक बेगमगंज सिलवानी की जनता की सेवा में जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया है और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो बहुत बड़ी ताकत हैं, हमारे बहुत प्रभावी नेता हैं आदरणीय ठाकुर रामपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के नगर और ग्रामीण मंडल के अध्यक्ष भाई कमल साहू जी, जगदीश लोधी जी, सुरेश ताम्बकार जी, संजय उस्ताल जी, राजेंद्र सोलंकी जी, आपदा प्रबंधन समिति के सभी सदस्यगण, कलेक्टर एसपी और बेगमगंज के मेरे प्रिय बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटा बेटियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको मैं शीश झुका के प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। बहुत दिन हो गए आपको देखे हुए, इच्छा तो प्रत्यक्ष रूप से आने की है और रामपाल जी से चर्चा करके जब भी कार्यक्रम बनेगा मैं जल्दी बेगमगंज की इस पवित्र धरती पर आऊंगा। बीच में लगातार कोविड के संकट के कारण जैसा दौरा मैं करता था वैसा नहीं हो पाया, फिर प्रारंभ किया है मैंने, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही आप जानते हैं लगभग 17 महीना हुए हैं, उनमें से 8-9 महीने तो निकल गए कोविड में, कोरोना में, और कोरोना में जैसे कष्ट हमने भुगते, जनजीवन ठप हो गया था, आना जाना बंद हो गया था, कारखाने हो, दुकानें हो, मार्केट हो, व्यापार हो, बाजार हो, सब बंद था, बस खेती जरूर चालू थी लेकिन बाकी गतिविधियां सब ठप हो गई थी। उस समय जब कोरोना की पहली लहर आई, मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही कोरोना मध्य प्रदेश की धरती पर फैल चुका था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय गहरी निद्रा में सो रहे थे या भगवान जाने क्या कर रहे थे, कोरोना से निपटने की कोई व्यवस्थाएं नहीं की, कोई साधन खड़े नहीं किए, जब मैं आया तो दवाई नहीं, पीपी किट नहीं, अस्पताल में बिस्तर नहीं, एक नहीं कई तरह की समस्याएं थी, लेकिन आप सबके सहयोग से चाहे वो कोरोना की पहली लहर हो और चाहे वो कोरोना की दूसरी लहर हो, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में और आप सबके सहयोग से मुकाबला करने में हम सफल हुए हैं। नुकसान बहुत हुआ है, कई अपनों को हमने खो दिया है, कई परिवार बिना मुखिया के रह गए,
हालांकि ऐसे परिवारों को भी हमने चिंता की। कोरोना के दौर में कोई बच्चे बेसहारा हो गए हो तो उनको 5,000 रुपया हर महीना हम पेंशन दे रहे हैं ताकि उनका खर्च चल सके, उनकी पढ़ाई की निःशुल्क व्यवस्था, उनको राशन। अगर कोई शासकीय कर्मचारी का स्वर्गवास हो गया तो उसके परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति देने का भी काम कर रहा हूं, कर रहे हैं। मैं सबसे पहले कोरोना में जो हमने भाई और बहन खोए हैं उनको श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और आप सबको धन्यवाद देता हूं। रामपाल जी दिनों रात चिंतित रहते थे, उनको बेगमगंज की, सुल्तानगंज की, सिलवानी की, हर जगह की चिंता थी कैसे लोगों का बेहतर इलाज हो पाए, इंजेक्शन मिल पाए, अस्पताल में बिस्तर मिल पाए, लोगों की जान बच पाए। इसके लिए रामपाल जी ने भी दिन और रात एक किया और सांसद जी ने भी लगातार चिंता की। और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी तो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो लगातार दिन और रात काम में जुटे रहे और मुझे सहयोग करते रहे। हम बिल्कुल रोज कोरोना से निपटने की रणनीति बनाते थे, कौन से साधन जुटाना है, कौन सी व्यवस्थाएं करनी है। अभी ऑक्सीजन का प्लांट का यहाँ लोकार्पण हुआ है, उस समय हम लोगों को याद है हम रात रात भर बैठे रहते थे ऑक्सीजन की व्यवस्था के लिए, क्योंकि कोरोना में फेफड़े जल्दी खराब होते हैं और इलाज में सबसे ज्यादा जरूरत होती थी तो ऑक्सीजन की होती थी, क्योंकि ऑक्सीजन का सिलेंडर अगर नहीं है तो पेशेंट का जिंदा बचना मुश्किल हो जाता था। उसलिए रात रात भर जग के हम लोग ऑक्सीजन के टैंकर आ पाए ठीक से इसकी कोशिश करते थे। ड्राइवर तक से मैं बात करता था कि भैया कहां तक पहुंचे हो, एक एक टैंकर ट्रैक करते थे हम, क्योंकि ऑक्सीजन अपने यहां नहीं होती। ऑक्सीजन हम मंगाते थे झारखंड से, उड़ीसा से, गुजरात से। प्रधानमंत्री जी से हमने आग्रह किया कि टैंकर भेजने में देर लग रही तो हवाई जहाज से भेजो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कृपा पूर्वक वायुसेना के विमान टैंकर ले जाने के लिए लगा दिए। ऑक्सीजन रेल चली, ऑक्सीजन स्पेशल, वो टैंकर ढो ढो के लाती थी। वो दिन भूल नहीं सकते मेरे बहनों और भाइयों, 7-8 दिन तो आंख से आंख नहीं लगी, क्योंकि चिंता रहती थी। हर जगह से फोन आते थे, आधा घंटे की ऑक्सीजन बची है, 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, अगर टैंकर नहीं पहुंचा तो इतने मरीजों की जान चली जाएगी। लेकिन आज आप सबके सहयोग से और भगवान की कृपा से हम ऐसी स्थिति में पहुंचे कि कोरोना को कंट्रोल कर लिया है। मैं क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, अकेले हम नहीं कर सकते थे। और हमने एक नया मॉडल बनाया मध्य प्रदेश का कि जनता के सहयोग से कोरोना कंट्रोल करेंगे। इसके लिए क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी बनी, जिले में बनी, मंडल में, ब्लॉक में बनी, पंचायतों में बनी, और क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी ने, आपदा प्रबंधन समिति ने सारे काम संभाल लिए। बंद रहें, कोई बाहर ना जाएं, दवाई का इंतजाम, पेशेंट्स की इलाज, जितने भी इंतजाम थे सब अपने हाथ में ले लिए। सरकार और जनता मिलकर साथ जुट गई प्रशासन के, और इसलिए हमने कोरोना पर काबू पा लिया है। लेकिन अभी भी निश्चिंत नहीं होना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि सावधानी की अभी भी जरूरत है, टीका बहुत जरूरी है। रायसेन जिले में भी टीकाकरण अभियान काफी अच्छा चला, बेगमगंज में भी सबने टीका तो लगवा ही लिया होगा। कौन कौन ने लगवाया जल्द टीका हाथ उठाओ भैया, जिनने टीका लगवाए। अब पहला डोज लग गया लेकिन दूसरा लगा कि नहीं इसकी भी चिंता कर लेना। ये दूसरा डोज कौन कौन ने लगवाया, दूसरे डोज वाले भी हाथ उठाए, क्योंकि कई लोग हाँ हैं, कई लोग पहला लगवा के भूले गए। ये अपना शरीर में पूरा सुरक्षा चक्र तभी बनेगा जब दो डोज लग जाए, इसलिए जिनने दूसरा डोज नहीं लगवाया वो दूसरा डोज भी जरूर लगवा लेना। आप अकेले ना लगवाएं, आपके घर में, गली में, मोहल्ले में, परिवार में, गांव में, शहर में,
अगर कोई भी भाई बहन शेष रहा हो तो उसको भी टीका लगवा देना। ये व्यापक पैमाने पर टीकाकरण हुआ है, मोदी जी ने मुफ्त में टीका दिया है, इसके कारण लोगों की जान बच पाई है, कोरोना काफी कंट्रोल है। इसलिए टीका और कोविड के संक्रमण को रोकने का अनुकूल व्यवहार बहुत जरूरी है। अब तीसरी लहर की चर्चाएं चल रही थी, भगवान करे ना पाए, टीकाकरण के कारण काफी कंट्रोल हुआ है, और भी हम सब तरह के उपाय करेंगे, लेकिन हमने तीसरी लहर से निपटने की सारी तैयारी की। जैसा कि रामपाल जी बता रहे थे, डॉक्टर प्रभुराम चौधरी भी बता रहे थे, बिस्तरों का पर्याप्त इंतजाम किया है, आईसीयू बेड बनाए हैं, वेंटिलेटर की सुविधा उपलब्ध कराई है, अस्पतालों को अपग्रेड किया है। अब बेगमगंज में भी आप जानते हैं कि आईसीयू बेड भी स्वीकृत हो गए हैं। बेगमगंज हो, सुल्तानपुर हो, उदयपुर हो, अलग अलग हमारे, अब बेगमगंज में तो नवीन सिविल अस्पताल की सौगात बेगमगंज को मिली है, और जैसी सुविधा भोपाल में मिलती है जांचों की, वैसी बेगमगंज में उपलब्ध होगी। रामपाल जी ने लगातार प्रयत्न किया, और डॉक्टर गुरुराम भी राय सैन के ही है, तो घर का परसैया और अंधेरी रात काय को कसर छोड़ना है। स्वास्थ्य सेवाओं में रायसेन जिले को भी बेहतर से बेहतर बनाना है, बेगमगंज पीछा न रह जाए, इसकी चिंता की गई है, उसके लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत की गई है, कई तरह की व्यवस्था जिसके बारे में अभी चर्चा हो रही थी, मैं दोहराना नहीं चाहता, रामपाल जी भी बता रहे थे, डॉक्टर प्रभुराम जी भी बता रहे थे, वो हमने करने का प्रयास किया है। और सबसे बड़ी बात थी ऑक्सीजन की कमी पूरी करने की। मैं दानदाताओं को, 165 दानदाता यहां बैठे, दोनों हाथ जोड़ के उनको धन्यवाद देता हूं। संकट के समय हमारे दानदाताओं ने अपनी जेब का पैसा लगा के 29 लाख रुपए की लागत से ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया है। सभी दानदाता बहनों और भाइयों, आपने ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया, लोगों की जिंदगी बचाने का प्लांट लगाया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, हृदय से धन्यवाद देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। यही भावना है जो मनुष्य को बचाने का काम करती है। तुलसीदास जी ने रामायण जी में कहा, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरों की भलाई करने से बड़ा पुण्य कोई नहीं है, और ये दूसरे की भलाई का काम है। कोविड नहीं आया तो बाकी कामों में ऑक्सीजन का उपयोग होगा, प्लांट तो अपना हो गया, और इसलिए इस प्लांट के कारण न केवल कोविड बल्कि कोविड को तो आने की हम कोशिश करेंगे कि ना आ पाए, लेकिन बाकी पेशेंट्स को भी इसके कारण बहुत सुविधाएं मिलेगी। मेरे बहनों और भाइयों, बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए गए, कोविड से निपटने के आवश्यक सब उपाय किए हैं, लेकिन कोविड अकेले की चिंता नहीं है, हमें डेंगू जैसी बीमारियों से भी निपटना है। उसके लिए स्वच्छता रखें, नगर पालिका भी चिंता करें, नागरिक भी चिंता करें, अपना शहर स्वच्छ रहना चाहिए, गांव स्वच्छ रहना चाहिए। और जहां तक ऑक्सीजन प्लांट का सवाल है, अब तक 163 प्लांट्स पूरे मध्य प्रदेश में क्रियाशील हो चुके हैं, और उनसे 182 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। अभी और प्लांट्स पर काम चल रहा है, भगवान ना करे दिक्कत अगर आई तो ऑक्सीजन के संकट से निपटने में हम सक्षम है, हमको ऑक्सीजन के लिए कहीं भागना नहीं पड़ेगा। मेरे बहनों और भाइयों, ये कष्ट के दिन थे हमारे। अच्छा, कष्ट केवल कोरोना का नहीं था, कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था ठप्प हो गई, उसे सरकार के खजाने में भी पैसा नहीं आया, सरकार भी थोड़ी कड़की में आ गई। अब आप कल्पना करें, 16-17 महीना में से 8-9 महीना बंद रहा तो स्थिति खजाने की क्या होगी, लेकिन उसके बाद भी हमने हिम्मत नहीं हारी, विकास के काम भी नहीं रोके, अस्पताल भी खुलते चले जा रहे हैं, व्यवस्थाएं बनाते चले जा रहे हैं, स्कूल भी अब नए बनेंगे, कुछ जगह सीएम राइज स्कूल,
शिक्षा की, स्वास्थ्य की बेहतर व्यवस्था। अब यहां तो जो कुछ बेगमगंज में हुआ, अभी रामपाल जी बता रहे थे, सैमरी जलाशय जैसी योजना स्वीकृत करके सिंचाई की व्यवस्था, अस्पताल और कॉलेज हो, पेयजल के लिए भी रामपाल जी और आदरणीय सांसद जी आप बैठे। बेगमगंज के कई गांव में पानी का बहुत संकट रहता है, लेकिन अब हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत ऐसी योजना बनाई है कि अब मेरी बहनों को हैंडपंप पे पानी भरने नहीं जाना पड़ेगा। बेटियां भी परेशान नहीं होंगी। हमने ये कोशिश की है और बहुत जल्दी पूरे रायसेन जिले को, बेगमगंज, सिलवानी, पूरे विधानसभा को कवर करेंगे रामपाल जी। हम जहां पानी मिलेगा, सैमरी जलाशय हो, बोर करके हो, जलाशयों से भी पानी लेंगे। जहां सफल बोर निकलेगा, वहां सफल बोर करके और पानी को हैंडपंप से नहीं पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछा के घरों में नल लगा के, और नल भी टोंटी वाला, पानी की सप्लाई करेंगे। जैसे टोंटी खोलेंगे तो झरझर पानी आएगा, गंड और गगरा, गुंड और गगरा भर जाएगा, मटका भर जाएगा, संपूर्ण रायसेन, संपूर्ण जिले को भी और विशेषकर सिलवानी बेगमगंज को कवर किया जाएगा, ताकि पीने के पानी के लिए हमको हैंडपंप की खटर खटर से बचना पड़े। एक ने कई तरह की नई योजना प्रारंभ कर रहे हैं, संबल योजना फिर से चालू कर दी है। बेटे बेटियों को भी मैं आश्वस्त करना चाहता हूं, जो मेधावी हैं, अच्छे बच्चे हैं पढ़ने में, किसी समाज के हो, कमलनाथ दादा ने फीस भरवाने का हमारा फैसले ही क्रियान्वित करना बंद कर दिया, बदल दिया था। अब मेरे बच्चों फिर से स्कूल कॉलेज खोल रहे हैं, अच्छे से पढ़ना, बढ़िया नंबर लाके मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, मामा ही भरवाएगा, आप कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो योजना हमने फिर चालू कर दी है। हमारी बहनों का बेटा बेटी पैदा होने के पहले 4,000 और बाद में 12,000 देते थे कमलनाथ दादा ने, वो भी बंद कर दिए थे, वो योजना भी फिर से चालू कर दी। लडुआ के पैसा फिर से मिलेंगे। हम बेटियों की शादी फिर से होगी, एक्सीडेंट में मौत पे 4,00,000 देते थे, वो कांग्रेस ने बंद कर दिए, वो फिर चालू कर रहे हैं। सामान्य मृत्यु पर 2,00,000 देते थे, वो फिर चालू कर रहे हैं, उन्होंने बंद कर दिए थे। अरे और तो और, अंतिम संस्कार के लिए कफन और चिता के इंतजाम के लिए 5,000 देते थे, कांग्रेस की सरकार ने कफन के भी 5,000 छीन लिए थे, वो 5,000 रुपया फिर देना चालू कर रहे हैं। जितनी बंद योजनाएं थी फिर चालू। आप जानते हैं कि संकट के समय गेहूं की खरीदी हो, चाहे किसान की बाकी समस्या हो, किसान भाइयों, प्रधानमंत्री जी 6,000 रुपया देते हैं आप किसान सम्मान निधि में, छोटे से छोटे किसान को भी। मैं चौथी बार बना तो दिल ने कहा शिवराज 4,000 तू भी दे रहे, तो 6 में 4 जोड़ के 10 कर दिए, 10,000 ये मिलेंगे ही अलग से। और गरीब बहनों और भाइयों जिनके पास रहने की जगह ही नहीं है, कई जगह मुझे बताए एक घर में 20-25 से आदमी रह रहे हैं, सास ससुर बेटा बहू सब एक ही कमरा में सो रहे हैं। और इसलिए हमने तय किया कि एक परिवार को एक इकाई मान के, पति पत्नी बच्चे एक इकाई मान के, हम अगर गरीब है और जगह नहीं है तो प्लाट भी देंगे, और प्लाट पर फिर आवास प्लस का सर्वे करके मकान बनवाने का काम भी किया जाएगा, गरीब आवास युक्त हो जाए, इसका इंतजाम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। कई योजनाओं पर हम काम कर रहे हैं। मैं आपको फिर विश्वास दिलाता हूं कि समय संकट का है, लेकिन संकट के समय भी हमने पैसे का इंतजाम किया और व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश की है। आज ऑक्सीजन प्लांट के उद्घाटन के अवसर पर मैं एक बार बेगमगंज और आसपास के, क्योंकि सिविल अस्पताल तो आसपास के सब गांव के भी काम आएगा, सभी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं। रामपाल जी आपको विशेष रूप से, रमाकांत जी आपको विशेष रूप से, संसदीय क्षेत्र में ये ऑक्सीजन प्लांट लगे, एक नहीं अनेकों स्थान पर लगे, और सक्षमता के साथ काम करने के लिए डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी को भी मैं, चूंकि वो अपनी धरती के लाल हैं, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और फिर से एक बार सभी दानदाताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूँ
आपने बहुत पुण्य का काम किया है और डायसिस मैनेजमेंट कमेटी के सभी मित्रों को भी बहुत धन्यवाद देता हूं। थोड़ी सावधानी रखते रहिए ताकि हम कोविड की तीसरी लहर को ना आने दें, और चिंता मत कीजिए, अब ये कोविड कंट्रोल हो गया तो अपना आना जाना भी शुरू होगा। रामपाल जी, आदरणीय रमाकांत जी आपकी सेवा कर ही रहे हैं, मामा भी पीछे नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। मेरे साथ बोलिए भारत माता की। धन्यवाद।